जीवन का लक्ष्य। सफलता, यह शब्द सुनते ही तन मन में प्रसन्नता का संचार हो जाता है। वह चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, सभी के चेहरे एक समान खिल उठते हैं। सफलता चाहे छोटी हो या बड़ी, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। सफलता स्वयं में खुशी, उत्साह तथा प्रेरणा का संगम है। सफलता पाने के लिए किसी विशेष प्रयत्न से अधिक आवश्यकता है यह तय करने की कि आखिर हम किस क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं। कमजोर से कमजोर प्राणी भी अपनी शक्तियों को एक लक्ष्य पर केंद्रित कर उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। बालक अर्जुन का लक्ष्य भेदन मशहूर है। उन्होंने पेड़ पर रखी लकड़ी की चिड़िया की एक आंख को लक्ष्य बनाकर धनुष से बाण छोड़े थे। निरंतर टपकने वाले झरने की बूंदें भी शिलाओं का सीना चीर देती हैं। सब शक्तियों को एक ओर लगाने से सफलता स्वयं ही चरण चुनने लगती है। कल्पना कीजिए उस यात्री की जिसकी कोई मंजिल नहीं। रेलवे स्टेशन पर खड़ा वह यात्री और विभिन्न दिशाओं की ओर ले जाती असंख्य रेलगाड़ियां जो उसे रेगिस्तानों, कश्मीर की वादियों, सागर की उठती गिरती लहरों, असम की हरी भरी पहाड़ियों, पंजाब के लहलहाते खेतों, गंगा यमुना के तटों और न जाने कहां कहां तक ले जा सकती हैं। परंतु क्या एक ही समय वह सब जगह जा सकता है? जाने के लिए उसे एक मंजिल चुननी होगी ना। इसके अभाव में तो यात्री वहीं खड़ा प्रतीक्षा करता रहेगा और समय बीत जाएगा। जीवन में सफलता के लिए अपनी मंजिल का सही समय पर चुनाव अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति की किसी खास काम में रुचि होती है। इस रुचि को पहचानने के लिए कभी कम तो कभी अधिक प्रयत्न करना पड़ता है। कोई भी कदम उठाने से पूर्व विचार अवश्य करना चाहिए कि आखिर हम चाहते क्या हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। जब तक लक्ष्य साधा नहीं जाएगा, उसे पाना बहुत मुश्किल है। यह लक्ष्य भी रुचि के अनुकूल ही होना चाहिए। हर कोई अपनी रुचि के क्षेत्र में ही अच्छा काम कर सकता है। कोई अच्छा लेखक हो सकता है, कोई वक्ता हो सकता है। किसी के पेड़ पौधों में रुचि होती है तो किसी को अंतरिक्ष में विचरते हुए असंख्य तारों में। कोई बड़ी बड़ी मशीनों को नियंत्रित करने में आनंद का अनुभव करता है तो कोई रंग और कूची उठाकर चित्र बनाने में। अपने भीतर के व्यक्ति को पहचानना आवश्यक है। विश्व के सभी महान व्यक्तियों ने अपने अपने विशिष्ट गुणों को पहचाना और उसे निखारा है, तभी सफलता, यश, समृद्धि ने उनके कदम चूमे हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए उसमें पूरी तरह डूब जाना जरूरी है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप क्या काम कर रहे हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप उसे किस तरह कर रहे हैं। दूसरे का मुंह ताकने वाले कभी सफल नहीं होते। एक सच यह भी है कि अवसर आपको नहीं तलाशता, आपको सही अवसर की तलाश करनी पड़ती है। प्रकृति हमें काम में जुटे रहने की प्रेरणा देती है। जैसे बहती हवा, उगता और डूबता हुआ सूरज, बहती नदियां, गिरते हुए झरने मनुष्य को सदैव आगे बढ़ते रहने का संदेश देते हैं। इन्हीं की तरह जो जुटा रहता है, सफलता उसी के चरण चूमती है। लक्ष्य निर्धारित करते समय हमें अपनी योग्यता पर भी विचार करना चाहिए। प्रकृति भी हमें यही सिखाती है। हर पदार्थ का अलग रूप रंग है, गुण है। हमें वही करना चाहिए जो हम अच्छी तरह कर सकते हैं। कोई कवि बन सकता है, कोई अभिनेता, कोई वैज्ञानिक बन सकता है तो कोई खिलाड़ी। किसी की किसी से कोई तुलना नहीं की जा सकती। प्रत्येक व्यक्ति की रुचियां एवं योग्यताएं अलग अलग होती हैं। संसार के जो व्यक्ति अपना जीवन लक्ष्य मानवता को आधार बनाकर चुनते हैं, वे महान कहलाते हैं। उनके विचार और उनके काम समय की सीमा पार कर अमर हो जाते हैं। वे अन्यों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति दृढ़ निश्चयी और आत्मविश्वास से भरे होते हैं। उनके चरित्र की आभा उनके व्यक्तित्व में झलकती है। जो दूसरे की सलाह पर अपनी निश्चित दिशा त्याग देता है, जो क्षण क्षण में अपने विचारों को बदलता है, ऐसा व्यक्ति संसार में कोई महान कार्य नहीं कर पाता। हल्के हवा के झोंके भी जिस वृक्ष को गिरा दे,
वह किसी को फल फूल क्या देगा? बड़ी बड़ी आंधियों को झेलने का साहस रखने वाले वृक्ष ही दूसरों की भूख दूर करते हैं, किसी का आश्रय स्थल बनते हैं। जो व्यक्ति दूरदर्शी है, अपनी सूझबूझ से आने वाली परिस्थितियों पर सोच विचार कर कदम उठाता है, उसे बड़ी से बड़ी बाधा भी नहीं हिला पाती है। वह हिम्मत नहीं हारता और हर दिशा में सफलता पाता है। लक्ष्य सिद्धि का मुख्य आधार परिश्रम है। संकल्प दृढ़ हो तो क्या नहीं हो सकता। ताजमहल जैसी कलात्मक भव्य इमारत बन सकती है। चीन की सैकड़ों मील लंबी दीवार, मिश्र के महान पिरामिड्स, मनुष्य के पक्के इरादे तथा मेहनत के ही परिणाम हैं। पक्के इरादे वाले धुनी लोग ही एवरेस्ट की चोटी पर विजय पताका फहरा पाए, अटलांटिक महासागर को लांग पाए, चांद तक पहुंच सके और अंतरिक्ष के चक्कर लगा पाए। तो याद रखिए, मेहनत की पूंजी हम सबके पास है, उसका अधिक से अधिक उपयोग कीजिए। हमें भी अपने जीवन को सफल बनाना है, क्योंकि हम भी अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। यदि श्रम पूर्वक पसीना बहाओगे तो सफलताएं मुस्कुराकर गले लगाएंगी। लक्ष्य ही मंजिल बन जाएगा और जीवन सफल हो जाएगा।